जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों सामने खड़ी हैं हमारे दो गाड़ियां। कौन सी हैं गाड़ी? तो मतलब एक ही है, जैसे कि ड्राइवर है, लेकिन वो ब्लू वाला है दोस्तों, बेस से ऊपर वाला वेरिएंट, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट बात करें तो RXL वेरिएंट, ठीक है। और यहां पर है हमारे सामने टॉप एंड वेरिएंट, मतलब RXZ वेरिएंट। कीमत की बात करें तो 7,05,000 रुपए की कीमत में वो आपको एक्सोरूम मिलती है, और इसकी कीमत की बात करें तो 8,80,000 रुपए कीमत में ये आपको एक्सोरूम मिलती है। दोनों गाड़ियों में अंतर क्या क्या मिलेगा आज वो देख लेते हैं। ये कंपैरिजन वीडियो है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंट में आपको क्या मिलेगा। तो टॉप एंड वेरियंट में आपको क्या मिलता है और बेस वेरियंट में क्या मिलता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेस से सेकेंड वाले वेरियंट में ऊपर क्या मिलेगा फ्रंट में आपको। तो फ्रंट में देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड और यहां पर हेलोजन बेस्ड एक यूनिट मिल जाती है हेडलाइट की। उसके बाद नीचे आपको फॉगलाइट नहीं मिलती, और सामने फ्रंट में जो ग्रिल है वो पूरी ब्लैक मैट फिनिश में मिलेगी, बीच में इसका लोगो मिल जाता है रेनॉल्ट का। तो ये है इसका सामने फ्रंट का प्रोफाइल। और साइड प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर साइड ग्लाइडिंग के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये है बेस से ऊपर वाले वेरिएंट की। अब आते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। तो टॉप एंड वेरिएंट में हेडलाइट देखते हैं, तो सेम वही हेडलाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर का कॉम्बिनेशन वही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐड हो जाती है इस तरीके से एक फॉग लाइट, उसको कार्निस करती हुई ये क्रोम। लेकिन यहां पर देखिए तो ग्रिल के अंदर क्या अंतर है, तो यहां पर मैट ब्लैक के साथ में आपको ये क्रोम का यूज देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में लोगो तो आपको वही मिल रहा है। उसके बाद साथ में जो इंडिकेटर है वो नहीं मिलेगा यहां पर, वो आपका पहुंच गया ORBM के ऊपर। तो अब यहां पर बात करेंगे साइड प्रोफाइल की। तो बेस मॉडल में साइड प्रोफाइल में आप देखिए तो ORBM मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा, इंडिकेटर साइड टर्न इंडिकेटर यहां पर मिल जाता है, डोर हैंडल्स भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगे आगे के पीछे के दोनों तरफ के, ठीक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है 40 लीटर की। तो यहां देखिए बेस वेरिएंट में, तो बेस वेरिएंट में आपको कुछ इस तरीके से स्टील रिम मिलता है दोस्तों, और इसका जो साइज है वो 14 इंच का मिलेगा आपको। यहां पर आपको जो है ये इस तरीके से व्हील कैप मिल जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट में देखिए साइड में क्या मिलेगा, तो जैसे ORBM है ये मिल जाता है, इस पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और नीचे की तरफ जो है जो व्हील कैप है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से मिलता है, स्मार्ट व्हील कैप या स्मार्ट स्टील रिम। यहाँ पर जो स्टील रिम है ना उसे इस तरीके से कट किया गया है जैसे कि एलॉय व्हील लगे, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रोम में डोर हैंडल्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है इसका सेटअप। अब चलते हैं बेस वेरिएंट के पीछे की तरफ क्या मिलता है। तो बेस वेरिएंट के पीछे देखें तो 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मिल जाते हैं, ड्राइवर की ब्रांडिंग, लोगो मिल जाता है, और रियर टेल लैंप कुछ ऐसा मिल जाता है। पीछे ना ही डिफॉगर मिलेगा और ना ही रियर वाइपर मिलेगा। ऊपर इस तरीके से LED लाइट माउंट तो मिल जाती है, और ऊपर देखें रूफ रेस कुछ इस तरीके से मिलती है, और एंटीना वहां मिल जाता है। लेकिन इस वाले वेरिएंट में देखें, टॉप एंड वेरिएंट में, तो यहां पर देखिए टेल लाइट तो सेम टू सेम मिलेगी एग्जैक्टली। यहां पर ड्राइवर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, लेकिन यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा ऐड हो जाता है, और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो वो है ही, साथ में ऐड होता है यहां पर रियर वाइपर और डिफॉगर, ठीक है। और यहां पर ये स्टॉप माउंट लैंप ऊपर की तरफ ऐसे ही मिलती है, ठीक है। ऊपर रूफ रेस भी दोस्तों कुछ इसी तरीके से देखने की मिलती है, ऑलमोस्ट सेम है वो दोनों गाड़ियों में, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों का। अब चलेंगे इंटीरियर में कि बेस वेरिएंट के इंटीरियर में डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या मिलता है, और टॉप एंड वेरिएंट के डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या मिलता है। तो ओपन करते हैं RXL वेरिएंट। तो सबसे पहले दोस्तों चाबी देख लीजिए, चाबी आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। लॉक अनलॉक का बटन मिलेगा, रिमोट की है, कुछ मारुति की हमें याद दिलाती है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टेयरिंग व्हील पर कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पर ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये देखिए इसे हम डायरेक्ट फिजिकली टच कर सकते हैं, कोई भी शीशा भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हालांकि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ में यहाँ पे 2-in म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, साथ में 2 स्पीकर मिलते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है। ये स्पेस वगैरह तो सेम ऐसे ही मिलते हैं, और यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 1 स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ कोई ग्लो बॉक्स नहीं है, और यहाँ पर 1 ग्लो बॉक्स इस जगह पर मिलेगा, ठीक है। AC वेंट्स आपने देखी लिए, और ये है कुछ आगे प्रोफाइल सेटअप। IRBM आपको यहाँ सादा सिंपल मिलना है, कोई डे नाइट वाला नहीं है, ठीक है। और पावर विंडो, हाँ पावर विंडो आपको फ्रंट में सिर्फ 2 ही मिलेंगी, और पीछे की जो पावर विंडो है उनके ऑपरेशंस पीछे वाले डोर पर ही मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं कैसे मिलेंगे। तो यहां पर जैसे देखें तो यहां पर पावर विंडो के ऑप्शन मिल गए। अब बात करेंगे टॉप एंड वेरिएंट की, टॉप एंड वेरिएंट में कहां क्या मिलेगा। तो चलते हैं RXZ वेरिएंट की तरफ, करते हैं ओपन।
खोलने से ही पता चलता है थोड़ी सी स्मूथनेस, यहाँ चारों पावर विंडो मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ देखें तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, साथ में ये शीशा भी लगा हुआ मिल रहा है, मतलब सेफ्टी तो मिल ही रही है आपको। उसके बाद यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर मिलता है 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम और साथ में 4 स्पीकर। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड ही एसी कंट्रोल मिलेंगे, ये सेम टू सेम है। उसके बाद की देखें तो की कुछ ऐसी कार्ड वाली आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, नीचे एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर गियर लीवर के ऊपर भी क्रोम का थोड़ा सा यूज देखने के लिए मिलेगा, एक स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, ये है कूल्ड स्पेस। दोस्तों यहाँ पर कूलिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं, कूलिंग का ऑप्शन दे रखा है, 2 कप होल्डर मिली गए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मिलता है, ये देखिए, और सामने ये तो मिल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद एसी वेंट हो गए, यहाँ पर एक सिल्वर लाइन यहाँ पर फिनिश दिया गया है डैशबोर्ड पर, डे नाइट वाला IR भी मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो 4 एयरबैग इस वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट में, साथ में बाकी सब कुछ पीछे की तरफ सेम ऑलमोस्ट देखने के लिए मिलेगा, यहां से देख सकते हैं आप। जैसे एक चीज और है दोस्तों, पीछे की तरफ जो है इस टॉप एंड वेरिएंट में जो है बी पिलर के ऊपर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको एसी वेंट्स नहीं मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, तो यहाँ बी पिलर के ऊपर कोई एसी वेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का सेटअप। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी सेफ्टी की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 2 एयरबैग और इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं आपको 4 एयरबैग। तो आप बताएं कि कैसी लगी आपको ये दोनों गाड़ियां। 7,05,000 कीमत में आपको वो सेकंड बेस वेरिएंट मिल जाएगा RXL वेरिएंट, और यहां पर ये 8,80,000 रुपए में आपको टॉप एंड RXZ वेरिएंट मिल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो थैंक यू।